brought to you by टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। I'm superhuman। कोई मछली मारकर खा लेते हैं, कोई रोजगार है नहीं, तो हमने एक सोचा कि बिहार में चाय की खेती हो सकती है और हमने 1992 से बिहार में चाय की खेती का सपना सोचा। 5 एकड़ से चाय की खेती की शुरुआत की। बिहार के किशनगंज में चाय बागान, और ये चाय बागान किसी भी दार्जिलिंग चाय बागान हो या फिर आसाम के चाय बागान हो, इससे कम नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत के ज़्यादा दिन नहीं हुए, कोई लंबा इतिहास इसका नहीं है। 90 के दशक से इसकी शुरुआत हुई है और 25,000 एकड़ ज़मीन जो है उसमें खेती होती है। चाय बागान है बिहार के किशनगंज में, जो कि हम कह सकते हैं कि चाय का एक अलग जायका देता है ये किशनगंज का चाय बागान। और इस चाय बागान की शुरुआत, चूँकि बिहार में पहले चाय की खेती नहीं होती थी, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन लोग थे, किसके मन में यह आइडिया आया, उनसे आपको हम मिलवाना चाहते हैं। राज किरण दफ्तरी जी, जो हम कह सकते हैं कि आपकी वजह से ये चाय बागान बिहार हम लोग सोचते भी नहीं थे, लेकिन 90 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। तो कैसे आपके मन में ये विचार आया? चूँकि ये दार्जिलिंग पास में ही है तो हो सकता है उसकी वजह से आया हो, लेकिन और कुछ भी एक जज्बा की बहुत ज़रूरत हुई होगी आपको, ताकि बिहार जैसे जगह पे और ऐसी ज़मीन पर इतना बड़ा चाय बागान लगाया आपने। अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग का जो एयर डिस्टेंस है हमारे पोठिया प्रखंड से देखा जाए तो 100 किलोमीटर के आसपास है, और जहाँ हमने चाय बागान लगाया है अगर ऊपर से उसके छत से देखते हैं बिल्डिंग के, तो आपको दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती है। रहा सवाल कि वेस्ट बंगाल है जो बिहार का बॉर्डर है, वहाँ चाय की खेती हो रही थी। हमने देखा कि वहाँ चाय की खेती हो रही है। बिहार में हम जब हमारे को कुछ जगह घूमने का अवसर मिला तो वहाँ की ज़मीन देखा पड़ती पड़ी है, और लोगों में काफ़ी गरीबी थी, बेरोज़गार थे। तो हमने पूछा लोगों को, भाई तुम्हारा रोज़गार क्या है? हज़ारों हज़ार एकड़ का फील्ड ऐसे ही पड़ा है। मैंने देखा पोठिया के गोरूखाल मौजे में, तब हमने पूछा तो उन लोगों ने कहा, भाई हम लोग तो कोई खीर मार कर खा लेते हैं, कोई मछली मार कर खा लेते हैं, कोई रोज़गार है नहीं। तब हमने एक सोचा कि बिहार में चाय की खेती हो सकती है, और हमने 1992 से बिहार में चाय की खेती का सपना सोचा और सपना देखा, और 1993 में अपने पोठिया प्रखंड के गोरूखाल मौजे में 5 एकड़ से चाय की खेती की शुरुआत की। 5 एकड़ से आज 25,000 एकड़ जगह पर आप हैं। ये किशनगंज से मात्र 15 किलोमीटर है, धुमनिया है, और उस समय यहाँ ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी। लोग यहाँ ज़मीन बेचकर खुश होते थे कि हमने सर का एक बोझा हटा दिया है। तो हमने सोचा यहाँ हम टी प्लांटेशन करें। तो हमने ज़मीन जुताने के बाद में जब मैं फील्ड पर टी प्लांटेशन कर रहा था तो हमने देखा कि पाँव जल रहे हैं इस धरती पर। तो हमने सोचा प्लांट का क्या होगा, फिर भी हमने यहाँ 2 लाख प्लांट लगाए और 90% यहाँ सर्वाइव किए। उसके बाद जब चाय की खेती की सफलतापूर्वक प्लांट यहाँ हो गए और चाय की खेती होने लगी, तब लोगों को एक चीज़ लगा कि नहीं, यहाँ चाय की खेती हो सकती है। तो हमने छोटे छोटे किसानों को जागृत किया। जो एरिया पोठिया ठाकुरगंज का एक क्रिमिनल बेल्ट हुआ करता था, मवेशी चोरी का आतंक था यहाँ, मगर जब से चाय की खेती की शुरुआत हुई उसके कुछ दिनों के बाद में अगर देखा जाए तो लोगों को रोज़गार मिला है। और अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा रोज़गार देने वाला उद्योग है चाय उद्योग। जब से लोग इसमें जुड़ गए हैं तो एक अगर एरिया में अमन शांति और रोज़गार मिला है। राज सवाल सरकार का, तो बिहार सरकार ने, तो हम पूछेंगे, लेकिन एक बताइए कि चाय बागान से आपने बताया कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, इसकी स्थिति क्या है अभी? अगर देखा जाए तो चाय बागान पहले की अपेक्षा तो लगातार इसकी खेती बढ़ रही है, जाहिर तौर पर मुनाफा हो रहा होगा तभी नहीं। अब रहा सवाल कि चाय बागान जो हम लोगों ने लगा रखा है, हमारे तो मैनेजर हैं, स्टाफ पर ही निर्भर है। जो किसान स्वयं खेती कर रहे हैं उनको प्रॉफिट है, और हम लोगों का जो इस्टेब्लिशमेंट खर्चा है और अभी चाय का जो रेट है, चाहिए कि बिहार सरकार चाय, जबकि यहाँ के 10 से 12 प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, बिहार के चाय के मार्केटिंग का सपोर्ट अगर बिहार सरकार से मिलेगा तब ये उद्योग धंधा सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो अभी जो चाय के बाज़ार की स्थिति है उस स्थिति में संभल पाना मुश्किल है। देखिए, चाय की तो हमको लगता है खपत लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, चाय भी लोग उतना ज़्यादा पी रहे हैं, तो फिर कैसे आप कह रहे हैं किस चीज़? मगर अभी देखा जाए तो अभी क्या कि मार्केट काफ़ी डाउन है। मेट्टी जो फैक्ट्री की चाय है वो 150, 125, 150, 150, 250 रुपये बिक रही है, जबकि कॉस्टिंग भी उतनी आ जाती है। तो जब तक क्या है कि कॉस्टिंग अगर नहीं मिल रही हो किसानों को और उसका सही रेट नहीं मिल पा रहा हो, बिहार की चाय का अगर स्थान है, बिहार की चाय को अगर देखा जाए, जैसे दार्जिलिंग चाय लोग कहते हैं, आसाम की चाय, बिहार की चाय कब बोलेगा लोग कि ये कि बिहार की चाय? अब रहा सवाल कि दार्जिलिंग में लिप चाय होती है, मगर बिहार की जो चाय होती है वो आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उसके यहाँ अगर देखा जाए तो पड़तर में कोई भी चाय की क्वालिटी में कमी नहीं है। आप यहाँ की चाय पी के देखें, यहाँ की चाय का स्वाद अपने आप में है। और अगर देखा जाए बिहार तो भारत में 5वें नंबर पर चाय उत्पादक राज्यों में आता है बिहार। हाँ, तो इसकी ब्रांडिंग कब होगी, कब हम लोग मतलब चाय बिहार की चाय पियेंगे? बिहार की चाय अगर देखा जाए तो हमारी चाय राजबाड़ी ब्रांड के नाम से आती है और राजबाड़ी ब्रांड के नाम से बिकती भी है, ऑनलाइन मार्केटिंग भी होती है। और अगर देखा जाए तो अमेजन पर और पर अगर देखा जाए तो राजबाड़ी का अपना एक नाम है। वो ठीक है, वो तो खैर आपका हुआ नहीं, हमारा जो उद्देश्य था कहने का। हाँ, जैसे आसाम की चाय बोलते हैं ना, उसी तरह बिहार की चाय का बिहार सरकार को इसके लिए आगे आना पड़ेगा ताकि बिहार के चाय की भी ब्रांडिंग हो सके और लोग देश विदेश में ये जाने कि बिहार की चाय का जायका कैसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।